हरिबाग के स्थानीय गांधी मैदान परिसर में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार की योजना कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लेकर एक दिवसीय बृहत स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के विभागीय मंत्री राज पालीवार को उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे में सदर विधायक मनीष जायसवाल और निगम के डिप्टी मेयर राजकुमार लाल ने यहां उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन यह कार्यक्रम सरकारी उदासीनता और जागरूकता के कारण असफल रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम का फायदा किसी को नहीं मिला। आलम यह रहा कि विधायक मनीष जायसवाल ने मन से कहा कि सरकार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लोगों को जागरूक करने के लिए करती है, लेकिन कभी कभी विभाग द्वारा उचित प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों की उपस्थिति कम हो जाती है। आलम यह रहा कि पूरे मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद जयंत सिन्हा और विधायक मनीष जायसवाल का बैनर पोस्टर भी लगा रहा, लेकिन लोगों की उपस्थिति नगण्य रही। यह वही मैदान है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग की जनता को संबोधित किया था, लेकिन आज वही मैदान में न कार्यकर्ता नजर आए और न ही हजारीबाग के लोग। कार्यक्रम के बाद उप महापौर राजकुमार लाल ने सरकारी पैसे की लूट की संज्ञा इस कार्यक्रम को दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हजारीबाग के नगर भवन में भी किया जा सकता था, जहां काफी कम पैसा खर्च होता, लेकिन मटवारी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन करना यह साफ इशारा करता है कि लोग यहां पैसे की लूट मचाए हुए हैं और इन पर किसी भी तरह का लगाम नहीं है। देखिए, सदर विधायक माननीय मनीष जायसवाल जी को यहां के स्थानीय वार्ड पार्षद श्री मिथिलेश सिन्हा जी ने निमंत्रण दिया था। इस कार्यक्रम के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि यहाँ के लोकल विधायक श्री मनीष जायसवाल को भी जानकारी नहीं थी, हमें भी जानकारी नहीं थी, मेयर मैडम को भी जानकारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो लाभुक है, जिसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहाँ पर इन लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया, किसी को खबर नहीं हुआ, झूठ का एक माहौल बनाया गया कि हमने प्रचार किया प्रसार किया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ लूट का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अभी मुझे निदेशक के द्वारा पता लगा कि पिछले 6 जगहों में यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम नगर भवन में आयोजित हो सकता है, लेकिन लाखों लाख रुपया गांधी मैदान में खर्चा करके ये आयोजन करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हमको लगता है कि सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है,